जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी की रसमयी वार्ताएं। पूज्य श्री राधा बाबा अपने भाव के प्रवाह में कहते ही चले जा रहे थे। मैं लीला पट्टी पर लिखता जाता था तथा वह भगत उसे कागज पर साफ साफ लिखता जाता था। भगत का धैर्य भी कमाल का है। कभी कभी मुझको दो दो घंटे चुपचाप बैठे रहना पड़ता था। जब आंख डूबती है उसमें वाणी रुक जाती है प्रियतम, चलती है जब वह मोहनता उसको ठग लेती है प्रियतम। प्राणों को है अनुभूति किंतु वे बोल नहीं पाते प्रियतम, अतएव जान सकता है वह जो है अंतर्यामी प्रियतम। जो लीला देखी उसके अनुरूप शब्द मिलता ही नहीं था, पर यह तथ्य है कि पद पढ़ करके और फिर लीला की भावना करके लीला नहीं लिखी गई है। पहले लीला का दर्शन हुआ है, फिर तद अनुरूप पद तथा शब्दों की खोज हुई है। पूज्य बाबा अब पुनः साधन साध्य संबंधी चर्चा करते हुए कहने लगे। जहाँ तक साधना का प्रश्न है, साधक को लीला के जो भी पद मिलते हैं उसके अनुसार वह लीला भावना करे, अवश्य ही वे पद किसी सिद्ध संत के द्वारा रचित होने चाहिए। सिद्ध संत के रचित पदों में भावोद्दीपन एवं भावोत्कर्षण की अतुल क्षमता होती है। पद में जो लीला वर्णित है वह छाया ही है, प्रतिबिंब ही है, पर साधन रत साधक उस छाया उस प्रतिबिंब के चिंतन के सहारे मूल वस्तु तक पहुंच जाएगा। पूज्य श्री बाबा जिस प्रकार समझा समझा कर बता रहे थे उससे यह स्पष्ट था कि साधक के सामने पहले पद में वर्णित लीला आती है और उसके माध्यम से वह मूल वस्तु तक पहुंचता है। पर पूज्य श्री बाबा के सामने पहले लीला अवतरित हुई, फिर उसके बाद उस दृष्ट लीला को व्यक्त करने के लिए तदनुरूप पद या शब्द का चयन हुआ। स्वानुभूत तथ्यों की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने बतलाया, मैंने अप्राकृत रावल ग्राम देखा है। जब मैं वर्तमान रावल ग्राम गया तो उस अप्राकृत रावल ग्राम के चिन्ह खोजने लगा। एक दो चिन्ह मिल भी गए। अब कहा नहीं जा सकता कि वे चिन्ह इस समय तक वर्तमान है या नहीं। मैं एक व्यक्ति का सच्चा उदाहरण और सुना रहा हूँ। वे श्री गोवर्धन जी गए, उन्होंने जैसे तैसे वर्णन ग्रंथों में पढ़ रखे थे। उन पठित अंशों के आधार पर उनके मानस पर श्री गोवर्धन गिरी का जैसा दिव्य स्वरूप अंकित था, उस दिव्य चित्र के स्थान पर उन्हें दिखलाई दिया झाड़ झंखाड़ से भरा एक पर्वत। उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, मैं तो यह आशा लेकर आया था कि उस दिव्य गिरिराज जी के दर्शन होंगे, पर अब क्या देख रहा हूँ। उनकी सच्ची प्रार्थना थी, कृपा के प्रकाशित होने में क्या देर लगी। वह दिव्य गिरिराज मणि माणिक्य युक्त वे गिरिराज उनके सामने प्रकट हो गए। किस पर कृपा कब होगी, कैसे होगी, इसे किसी नियम में बांधा नहीं जा सकता, पर कृपा का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। पूज्य श्री महाराज जी ने धीरे से एक जिज्ञासा व्यक्त की, यदि किसी महापुरुष का ही चिंतन नित्य किया जाए तो क्या महापुरुष का चिंतन करने वाले साधक को वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य बाबा ने श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण सुनाया। श्री महाप्रभु जी के जीवन काल में उनके विरोधी बहुत थे। श्री महाप्रभु जी के निकटवर्ती केवल कतिपय लोगों ने श्री महाप्रभु जी के वास्तविक रूप को पहचाना। श्री महाप्रभु जी की वास्तविकता को जानने वालों की संख्या अत्यल्प से अत्यल्प थी। इसी विरोध के कारण श्री महाप्रभु जी को
सिमटते सिमटते फिर गंभीरा में एकदम सिमट जाना पड़ा। पर जो श्री महाप्रभु जी के वास्तविक स्वरूप को जानते थे, जो उनकी कृपा के आश्रित थे, उनको वस्तु की प्राप्ति हुई। बस यह सुगुप्त धारा चली चले, महापुरुष के कृपा आश्रित को वस्तु की प्राप्ति होती है। भगवत कृपा से अथवा महत कृपा से जिसे वस्तु की प्राप्ति होती है, उसकी स्थिति केवल अनुभव गम्य है। नहीं अहमता जहां, नहीं है बुद्धि न ये गुण है प्रियतम, है नहीं प्रकृति भी जहां अहो, केवल चित्ती ही चित्ती है प्रियतम। हो मग्न रसो दधि में जो है, वह परे ज्ञान से भी प्रियतम, वाणी कहने का साहस कर कर देगी विकृत उसे प्रियतम। श्री सूरदास जी ने इसकी कुछ झलक ग्वालिनी प्रगट्यो पूर्ण नेह वाले पद में प्रस्तुत किया है। पूज्य बाबा ने इस पद को पूरा सुनाया, वे सुनाते जाते थे तथा पंक्तियों के भाव भी समझाते जाते थे, कभी व्याख्या द्वारा कभी अंग चेष्टाओं द्वारा। भाव को समझाते हुए पूज्य बाबा ने कहा, इस पद में कैंचुली का उदाहरण आया है। सांप की कैंचुली में मुंह आंख आदि सभी कुछ हैं, सभी के चिन्ह हैं, आकृति बिल्कुल सांप की है, पर सांप की कैंचुली में सांप नहीं है। इसी प्रकार वस्तु को प्राप्त जीव अपनी काया में रहकर भी अपनी काया में नहीं रहता, वह वही होकर भी वही नहीं रहता, जो सरोवर सरिता के आप्लावन के कारण सरिता में विलीन हो गया है, फिर उस सरोवर की संज्ञा पहले वाली नहीं रहती, उसकी संज्ञा बदल जाती है। इस समय पूज्य बाबा की भावविष्टता देखने योग्य थी। भाव के प्रवाह में ही पूज्य बाबा कहते जा रहे थे, इस पद का अर्थ मैं कभी लिख चुका हूँ। तब एक ने कहा, इसकी व्याख्या सत्संग सुधा परिपत्र के वार्षिक अंक में छप चुकी है, यही चलोरी आज ब्रजराज मुख निरखिए पुस्तक के पृष्ठ पर 29 और 30 पर मुद्रित है। पूज्य बाबा ने कहा जब पद की व्याख्या में लिख रहा था, उस समय विचित्र स्थिति थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने कई बोतल शराब चढ़ा ली हो, उन्मत्त किसी दशा थी। मैं बोलता जाता था और बाई सम्मान्या श्री सावित्री बाई फोगला लिखती जाती थी। बाई को बार बार मेरे प्रति कुछ कहना पड़ता था, वह मुझे बार बार सावधान करती थी, बार बार स्मरण दिलाती थी, जिससे कि मैं यह वर्णन लिखवा दूं। भाव विशिष्ट अवस्था में पूज्य बाबा थोड़ी मौन रहे, फिर वे धीरे धीरे बोलते हुए कहने लगे, जो बढ़िया शराब का अभ्यस्त हो, यदि उसे कभी हल्की शराब मिले तो हल्की शराब को भी वह पी लेगा, और वह हल्की शराब भी उस पर असर करेगी, पर हल्की तो हल्की ही है। रास वाले जो लीला करते हैं, वह लीला तो अप्राकृत राज्य की लीला की छाया भी नहीं है, पर इस छाया के माध्यम से मूल वस्तु की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। आजकल रास मंडली वाले जो रासलीला करते हैं, वह लीला मुझे प्रायः भीतर से बाहर खींच लाती है, पर यह जो ठाकुर आदरणीय श्री घनश्याम जी हैं, जब यह पहले रासलीला में ठाकुर का स्वरूप धारण करता था, तब यह अपनी ठकुराई में मुझे बाहर से भीतर ले जाता था। केवल एक या दो बार की बात नहीं है, सदा ही यह ठाकुर अपनी सब स्वरूपाई में मुझे मूल वस्तु की ओर ले जाता था और विचित्र भाव उद्दीपन होता था जय श्री राधे। आगे की वार्ता हम कल सुनेंगे। हमारे एक चैनल संतों की पाठशाला पे भी अब नित्य सत्संग डलता है, कृपया वहाँ जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पर भी सत्संग का लाभ लें। जय श्री राधे। जय